है, ये भी कम करने का काम तो नहीं करता, तो यहाँ भी 5.23 वोल्ट आना चाहिए। चलिए ठीक, तो अभी लास्ट कहाँ तक पहुंचे हुए थे कि वोल्टेज और एम्पेयर के बारे में। तो चार्जर आपका जो है वो क्या करता है, 5 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर, ये सबसे बेस्ट वोल्टेज और एम्पेयर होगा किसी भी फोन के लिए, एंड्रॉइड फोन के लिए। आने वाले फोन 5G फोन के लिए कंपनी क्या करती है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और यदि आप फास्ट चार्जर यूज करते हैं तो आप समझिए कि आपका बैटरी और फोन का लाइफ थोड़ा सा कम सकता है, ठीक है। और फोन में ओरिजिनल चार्जर भी यदि कंपनी दे रही है आपको 3 एम्पेयर का, तो आप कोशिश करिए कि दूसरा चार्जर या नॉर्मल कम एम्पेयर वाले चार्जर को ही यूज करें। और आईफोन में आपको बैटरी फोड़ने का इशू इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जितना भी आईफोन का चार्जर है वो यही एम्पेयर से चार्ज करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बैटरी चार्जिंग जैक के पिन के ऊपर। तो नॉर्मली आपको जो चार्जिंग जैक होते हैं उसमें कितने पिन दिखते हैं, यूएसबी चार्जिंग जैक में 5 पिन, इसको यूएसबी चार्जिंग जैक कहते हैं, है ना। और वोल्टेज आपने इन कितना किया, 5.23, ठीक है। और एम्पेयर कितना इन किया, 1.5, जो बेस्ट एम्पेयर है, है ना। अब आपने इन किया, अब देखिए चार्जिंग के लिए सिर्फ 2 वायर की ही जरूरी होती है, जैसे एक बैटरी के लिए 2 पोल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का जरूरत है, वैसे ही चार्जिंग के लिए एक पोल पॉजिटिव चाहिए एक पोल नेगेटिव चाहिए, ठीक है। दोनों पोल पे आप क्या करते हैं, करंट जाता है और सप्लाई आपका ओके हो जाता है। लेकिन ये यूएसबी में जो 3 पिन दिए हुए हैं ये यूएसबी के लिए काम, ये चार्जर यूएसबी चार्जर है ना, इसलिए बीच का जो 3 पिन होता है ये क्या करता है, यूएसबी जैक के लिए काम करता है। जैसे कि आप फोन को सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो यूएसबी से कनेक्ट करेंगे सिस्टम से, और ये पिन जो होता है RX और TX पिन कहा जाता है, ये डायरेक्टली कनेक्शन कहां से होता है, तो फ्लैश आईसी से कनेक्शन होता है। कहां से कनेक्शन होता है, तो सीपीयू से कनेक्शन होता है, ठीक है, ताकि आप जब सॉफ्टवेयर करते हैं तो यहां से सीधा कनेक्शन बन जाता है उसका। लेकिन जब कीपैड फोन की बात करते हैं तो कीपैड फोन में बैटरी जहां पे लगाते हैं वहां पे आपको कुछ छोटे छोटे 6-7 डॉट्स दिखते हैं, उसमें डब्बा टाइप का चार्जर बैटरी आता है जिसको लगा कर फिर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और उस टाइप के फोन में आपको चार्जिंग के लिए 2 पिन चार्जर होता है। आपने देखा है 2 पिन चार्जर कभी आप लोगों ने, जी सर नोकिया के मोबाइल नहीं देखे भाई, कौन से दुनिया से आ गए, जी जी 2 पिन चार्जर सभी कोई देखे होंगे, पतला वाला चार्जर, ठीक है। और यूएसबी चार्जर से पहले जो है ना 2 पिन चार्जर ही आता, जितना भी कीपैड फोन है ज्यादातर में आपको 2 पिन चार्जर ही दिखेगा, अब कीपैड में भी यूएसबी चार्जर आने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 पिन चार्जर दिखता है, गोल फेस वाला जो पतला वाला पिन जो नोकिया सब में नहीं लगता था। तो इसमें एक वायर क्या होता है, पॉजिटिव एक वायर नेगेटिव, 2 ही पिन से चार्ज हो रहा होता है, है ना। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव यदि कंफर्म करना है तो मीटर तो चलाना सभी कोई जानते हैं, मीटर को सेट कर देंगे कहां पे, कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे, एक वायर को रख देंगे ग्राउंड पे और एक वायर से क्या करेंगे, चेक करेंगे जो बीप आ रहा हो वो क्या होगा नेगेटिव ग्राउंड से, और जो वैल्यू आ रहा हो क्या होगा पॉजिटिव। कोई मुश्किल है पहचानने में, चलिए। 2 तरह का चार्जिंग जैक का बात समझ में आया, एक तो यूएसबी एक नॉर्मल चार्जर, है ना। तीसरा तक्षत आ रहा समझ में, चलिए। तीसरा तरह का एक सी केबल चार्जर अभी खूब चल रहा है मार्केट में, तो सी केबल चार्जर में एग्जैक्ट हम नहीं है उसमें कितना पिन है, ठीक है। पिन का संख्या ज्यादा हो सकता है, 42 या शायद उससे भी ज्यादा, हम एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन कितना, चलिए 42 शायद रहता, हम कंफर्म नहीं है, या हो सकता थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता हो, लेकिन काम सिर्फ यही 5 पिन करेगा, समझ रहे बात को। वर्किंग 5 पिन जो है यही होता है। देखिए सी केबल में बढ़ा क्या सब दिया है, सी केबल में आप हेडफोन भी लगा सकते हैं, सही बोल रहे हैं, सी केबल में आप चार्जिंग के लिए जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा वो एक के जगह पे 3-3, 4-4 पिन को पॉजिटिव के लिए जोड़ दिया, 3-4 को पिन को क्या कर दिया नेगेटिव के लिए जोड़ दिया, बाकी कुछ पिन को यूएसबी के लिए जोड़ दिया। इसको आप डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन सा मॉडल में कौन कौन सा पिन किस तरह से काम करता है, समझ रहे बात को। तो लगभग यही यूएसबी चार्जिंग जैक है। चार्जिंग के लिए मान लीजिए 4 पिन को आपस में जोड़ दिया तो 4 पिन मिला के एक ही पिन गिनती करेंगे ना, है ना। 4 पिन नेगेटिव को आपस में जोड़ दिया, इसको जोड़ के एक ही पिन गिनती करेंगे ना। तो चार्जिंग के लिए सी केबल हो, नॉर्मल केबल हो, यूएसबी केबल हो, सभी में कितने वायर चाहिए, 2 ही, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है।
तो चार्जिंग चार्जर का ये पूरा जैक का परफॉर्मेंस समझ में आया। तो आईफोन 4 का बात करिएगा तो उसमें भी 80 से भी ज्यादा पिन होता है, उसमें भी बहुत सारा पिन रख दिया था कंपनी आईफोन 4 में, ठीक है। आईफोन 6, 7, 8, 11, 10 इस सब में जो है अभी जो यूएसबी चार्जिंग जैक जो मेरे फोन में भी है तो उसका जो है शायद 12 पिन है, 6 एक साइड से 6 दूसरे साइड से, तो उसको आप प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं। सप्लाई मेनली ये 5 पिन का ही काम करेगा। यूएसबी का फुल फॉर्म था यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि यूएसबी 2 ही पिन इतना काम के लिए है कि वो मैक्सिमम काम को कर सकता है, अधिक से अधिक काम को कर सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें वोल्टेज इन और आउट जैक का काम क्या है। सबसे बड़ा चीज है कि जैक का काम क्या है और जैक खराब होने से प्रॉब्लम क्या सब आएगा, ठीक है। जैक का काम समझिए, चार्जिंग जैक का काम मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपके चार्जर के वायर को बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए, मान लीजिए एक सिंपल सा बात कह रहे हैं, ये मान लीजिए चार्जिंग जैक का बोर्ड है, जैक निकालने के बाद बोर्ड पे इस तरह का 5 पॉइंट दिख रहा है। यूएसबी चार्जिंग का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मैक्सिमम फोन यूएसबी है मार्केट में, है ना। तो जैक निकालने के बाद बोर्ड पे यही 5 पिन दिखेगा और लॉक वाले पिन दिख जाएंगे आपको, जिसपे कि चार्जिंग जैक लगाने के बाद उसको मजबूती देने के लिए काम आता है। सही बोल रहे हैं जी, आप लोग देखे होंगे ना, ठीक है। लॉक पिन का कोई मतलब नहीं है चार्जिंग से, लॉक तो मजबूती देने के लिए होता है, बाकी जैक निकालने के बाद ये 4 या 5 पिन आपको दिखेंगे बोर्ड पे, है ना। अब एक बात बताइए, एक चार्जर के वायर का 2 वायर निकाल लेंगे, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर निकाल लेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव निकाल के पॉजिटिव पे हम रख देंगे, इसको जोड़ देंगे जम्पर से और नेगेटिव पे जोड़ देंगे इसको जम्पर से, फिर यहाँ पे चार्जर 5 वोल्ट दे देंगे, तो क्या चार्ज होगा या फोन या नहीं होगा? होगा, श्योर है। इसका मतलब ये हुआ कि जैक का कोई विशेष काम नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैक का कोई बड़ा रोल नहीं है चार्जिंग होने में, जैक का वास्तव में कोई बड़ा रोल नहीं है, जैक का सिर्फ इतना काम है कि आपके चार्जर को बोर्ड से कनेक्ट कर दे। इजी, तो इसका मतलब ये भी हो गया जैक का कोई मॉडल नंबर नहीं होता होगा, जैक का मॉडल नंबर बेचने के हिसाब से या खरीदने के लिए इजी हो इसलिए मॉडल नंबर होता है, नहीं तो जैक जो फिट आ गया वही चल जाएगा। मार्केट में कॉमर्शियल जैक ले लेना होगा, क्या कॉमर्शियल जैक या फिर यूनिवर्सल जैक कह सकते हैं, ठीक है। जो जैक यानी ज्यादातर फोन में लगता है उसका कोई मॉडल नंबर नहीं होता है, अपने बोर्ड पे लगाइए, लॉक मजबूती के लिए फिट हो जाए और क्या करें कि ये सारा का पिन आमने सामने आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि आपका वो फोन वो जैक आपके फोन में काम कर जाएगा। तो कभी कंफ्यूजन ये बात का तो नहीं होगा ना कि मतलब जैक जो है अलग कौन सा मॉडल के लिए क्या ले, जैक का कोई बड़ा रोल नहीं है, समझ में आ गया ना बात, जैक को लेकर कंफ्यूजन नहीं लेना है। अब सिंपल सा सोचिए ना, कई बार जैक का फ्रीट उड़ा रहता है, जगह उड़ा रहता है, जैक को लड़का लोग उल्टा लगा देता है, जैक को क्या करता है उल्टा लगा देता है, और जैक उल्टा लगाने के बाद देखो पॉजिटिव वाला जम्पर पॉजिटिव पे जोड़ देता है, नेगेटिव का नेगेटिव से जोड़ देता है, नॉर्मली चार्जिंग तो चल जाता है। अब यदि फुर्सत है तो यूएसबी का भी सप्लाई जोड़ दीजिए, यूएसबी भी लेगा। जो बोर्ड टूट जाता है कई बार सैमसंग सब का फोन का जो है ना नीचे में अलग लंबा पत्ती वाला होता है, ठीक है, जिसमें अंदर कट में घुसता है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में दुकानदार कुछ अनट्रेन दुकानदार काम करता है तो तोड़ देता है उस चीज को, और फिर वो वापस करे तो भैया नहीं बनेगा, तो जो बढ़िया दुकानदार मिस्त्री है उसके पास तो ये सारा काम आएगा, तो वो इस तरह से जुगाड़ करता है, फेविक्विक लगा के जाम कर देता है, क्या करेगा, करना पड़ेगा क्योंकि स्पोर्ट्स ही नहीं है यहाँ पे, जगह ही नहीं बना हुआ है। तो जैक का असली रोल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब जैक के वजह से प्रॉब्लम क्या सब आएगा इसको साफ करें, जैक के वजह से 3-4 प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। पॉइंट बना के नोट करिए, देखिए यदि चार्ज नहीं हो रहा है तो जैक पर सबसे पहले वोल्टेज चेक करें, जैक पर यानी जैक के पिन पर वोल्टेज चेक करें,
पॉइंट करके लिखिएगा, वोल्टेज पॉइंट, अगला पॉइंट बनाइए जी, वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है, वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है, आप बताइए क्या करेंगे, कुछ नहीं आ रहा तो किसका दिक्कत होगा, जैकेट पे वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा, किसका दिक्कत होगा, नहीं या तो केबल हो सकता है या जैक हो सकता है, केबल तो नॉर्मली लोग चेक करके ही रखता है, कुछ नहीं आ रहा है तो या तो केबल भी हो सकता है, लेकिन लोग इस चीज को चेक करके ही आपके पास आता है अक्सर, तो आपको जैक का ही नॉर्मली दिक्कत होता है, तो जैक चेंज करें, यदि वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है तो जैक चेंज करें, यदि वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है तो जैक क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दूसरा लिखिए, यदि जैक पर कभी कभी वोल्टेज आता हो, यदि जैक पर कभी कभी वोल्टेज आता हो यानी रुक रुक के आता हो, तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब वही कार्बन, नहीं कार्बन रुक रुक के वोल्टेज आ रहा तो कार्बन तो नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैक ढीला है आपका, फिट नहीं है प्रॉपर तरीके से, है ना, यदि जैक रुक रुक कर वोल्टेज आता हो तो जैक को रिसोल्ड करेंगे या चेंज करेंगे, लिख लीजिए, यदि जैक पर वोल्टेज रुक रुक कर आता हो तो जैक को रिसोल्ड करेंगे, यानी दोबारा से जोड़ेंगे या फिर चेंज करेंगे। अगला लिख लीजिए, यदि जैक पर दो या तीन या चार वोल्ट आता हो तो क्या दिक्कत होगा, बताइए, यदि जैक पर सिर्फ दो या तीन या चार वोल्ट आता हो, ज्यादा नहीं, पूरा जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा हो तो क्या दिक्कत होगा, चार्जर ड्राइवर खराब हो गया, चार्जर तो पहले ही आप चेक कर चुके हैं, जैक भी कुछ नहीं आएगा तब खराब होगा, दो तीन या चार वोल्ट आता हो यानी पूरा वोल्टेज नहीं आता हो, आगे का बोर्ड सर्किट शॉर्ट होगा, आगे वाला शॉर्ट होगा, आगे वाला मतलब कि ये पॉजिटिव सप्लाई जो आगे जाएगा बैटरी कनेक्टर पे, तो पॉजिटिव सप्लाई से बैटरी कनेक्टर के बीच में कुछ गड़बड़ी है, देखिए यदि जैक सही है तभी तो वोल्टेज आ रहा ना दो या तीन वोल्ट, यदि जैक खराब होता तो कुछ भी नहीं आता, वहां तो जितना जाएगा उतना ही आएगा ना, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझिए पूरा बात, चार्जर आपने सही लगाया है उसको तो आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा, है ना, चार्जर जब सही लगाया है तो 5 वोल्ट तो आना चाहिए, जैक लगाया, जैक पे यदि कुछ भी वोल्टेज नहीं आता तो हम समझते जैक खराब है, जैक पे रुक रुक के वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब हम समझते जैक ढीला हो रखा है, लूज हो रखा है, है ना, यदि जैक पे परमानेंट रूप से दो वोल्ट आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा ना पीछे बढ़ रहा है, तीन वोल्ट आ रहा है ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आगे कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रेन हो रहा है यानी लीकेज हो रहा है, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई कंपोनेंट्स या तो क्वाइल सॉरी या तो डायोड या कैपेसिटर क्या हो रखा है, शॉर्ट हो रखा है। अब सिंपल सी बात देखिए, आपके घर का जब बिजली शॉर्ट हो जाएगा तो आपके घर में वोल्टेज चेक करेगा तो वोल्टेज डिम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, सही बोल रहे हैं, तो जब भी वोल्टेज का गलत यूज होगा, शॉर्ट सर्किट में यूज होगा तो 220 या 240 आपके घर में आता है उतना नहीं आएगा, आपका लाइट का रोशनी कम जाएगा, रोशनी कमने का मतलब तो समझते हैं वोल्टेज कम हो जाना, समझ रहे बात को, तो कहने का सेंस ये है कि जब ये वोल्टेज कम आ रहा है, जैक जैक सही होगा तब ये वोल्टेज पास करेगा, और चार्जर आप चेक करके ही लगाए और वोल्टेज कम आ रहा है, ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, बोर्ड पे शॉर्टिंग का प्रॉब्लम, बोर्ड पे चार्जिंग सेक्शन शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होगा, देखिए बोर्ड पे चार्जिंग सेक्शन शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होगा, सर्किट को प्रॉपर तरीके से चेक करें।
ठीक है। चलिए एक और पॉइंट लीजिए, यदि जैक के पिन पे प्रॉपर वोल्टेज आ रही है मतलब जितना आना चाहिए 5 वोल्ट तो प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है, बताइए तो सप्लाई कट गया होगा, शॉर्ट होगा तो वोल्टेज डिम हो जाएगा, और सप्लाई ही कट जाए बीच से तो चार्ज होगा क्या? वोल्टेज तो आ रही है, बीच से सप्लाई कट जाएगी तो चार्ज तो नहीं होगा, है ना। क्या लिखे लास्ट लाइन, बढ़िएगा थोड़ा। जेट पिन पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है सर्किट लाइन ये होगा कट। क्या आप लिखे क्या सो बताइए हमें सर। यदि जेक के पिन पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा, प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है मतलब प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है, है ना जी, तब सप्लाई ओपन कंडीशन में होगा यानी सप्लाई कटा हुआ होगा, ठीक है। बोर्ड में लगे क्वाइल और रेजिस्टेंस को चेक करें, खराब होने पर जम्पर या चेंज करें। इतना तरह का चार्जिंग जैक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आएगा। और लगता है कोई प्रॉब्लम होगा? ये इतना ही प्रॉब्लम आपको दिखेगा। अब बोर्ड पे चलेंगे, बोर्ड पे क्या सब दिक्कत होगा सर? बोर्ड नहीं चार्ज बताते हैं सर, सप्लाई में ही आ गया, वो सप्लाई में ही आ गया, ठीक है। ड्राइवर में ही होगा ना तो ऑन ही नहीं होगा, चार्ज तो छोड़िए मोबाइल नहीं ऑन होगा, नहीं स्टॉप कर दीजिए वीडियो लाइट ऑफ। ये सारा प्रॉब्लम क्लियर हुआ, ये यानी चार से पांच तरह का कितना पांच तरह का प्रॉब्लम लिखा है ना, ये चार या पांच तरह का प्रॉब्लम जो है आपको बैटरी कनेक्टर पे सॉरी चार्जिंग जैक के ऊपर दिखेगा। ये चीज को क्लियर करने के बाद अब चलेंगे चार्जिंग सर्किट के ऊपर, ठीक है जी। और सर्किट के ऊपर जाने के साथ साथ आपको डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल पता होना चाहिए। अभी हम कमर्शियल सर्किट पढ़ाएंगे, फिर जाके हम पढ़ाएंगे कमर्शियल सर्किट मतलब जो सब पे अप्लाई हो, फिर जाके एस्टिमेटिक डायग्राम से भी पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत? इसको साफ करें। अब कहिएगा सर यूएसबी का सप्लाई, तो यूएसबी का सप्लाई हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। हम सिर्फ अभी चार्जिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो चार्जिंग मतलब सिर्फ चार्जिंग। यूएसबी पढ़ाएंगे तो यूएसबी जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन सिर्फ यूएसबी ही पढ़ाएंगे, नहीं तो सब एक साथ मिल जाने से प्रॉब्लम होगा। चलिए सिंपल सा बात ये समझिए कि आपने चार्जिंग जैक पे चार्जर लगाया तो कितना वोल्ट दिया? 5.23। तो इन वोल्टेज कितना हुआ? 5.23। और जब आपने चार्जिंग के लिए बैटरी को बोर्ड में लगाया तो बैटरी कनेक्टर वोल्टेज आता है या नहीं आता है? आता है। कितना वोल्ट आता है? 3.70 से 4.20 ये वोल्टेज आता है। अच्छा सिंपल सा सोचने का बात है, यदि आपने यहाँ पे 5.23 वोल्ट इन किया और यहाँ पे कितना वोल्ट आ गया? 3.7 से 4.20। इसका क्या मतलब कि इसका और इसका कुछ ना कुछ तो तगड़ा रिलेशन है, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कौन सा ऐसा चीज हुआ या क्या ऐसा लगा हुआ था कि यहाँ पे वोल्टेज कम मिला, उतना ही वोल्टेज नहीं मिला जितना वोल्टेज आपने दिया? तो कुछ ना कुछ तो लगा हुआ होगा। अब वो क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, वो खराब होने से तो सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो उसके बारे में जो हम बात करते हैं उसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। उसको क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम। तो चार्जिंग का सर्किट डायग्राम जो है अभी हम आपको बताने वाले हैं, यानी 5.23 वोल्ट दिए लेकिन उसको हमको चाहिए कितना वोल्ट? 3.7 से 4.2 वोल्ट। तो अब देखिए पूरा सर्किट आपको समझ में आएगा। चार्जिंग जैक पे आपने वोल्टेज को क्या कर दिया? इन किया,
अब ये सबसे पहले देता है सप्लाई किसको, तो क्वाइल को। कीपैड वाला फोन देखिएगा तो उसमें यहाँ पे एक फ्यूज भी लगा देता है, फ्यूज का डिनोमिनेटर के उस पे लिखा हुआ रहता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले किसको दिए, क्वाइल को। अब आपको सर्किट सर्किट सिंबल तो बताया था, क्वाइल का इस तरह का सर्किट सिंबल होता है, किसी को ऐसा है जिसको नहीं पता। चलिए, क्वाइल का डिनोमिनेटर क्या होता है, एल। लिख देने से समझ में आ जाएगा, सर्किट सिंबल के साथ एल यानी क्वाइल है ये। क्वाइल के बाद ये क्या करता है कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर को जोड़ देता है। ये सिंबल किसी को ऐसा है जिसको नहीं पता, पता है ना? अच्छा, आपको नहीं पता, आपको ये सारा सर्किट हम बताएंगे, आपका क्लासेस तो बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है इस वजह से, ठीक है। तो इसके साथ लिखा रहेगा स्विच, याद रख लीजिएगा, टोटल 7-8 तो कंपोनेंट्स है, सारे का सिंबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा दिखे तो क्वाइल, ऐसा दिखे तो कैपेसिटर, ठीक है। इसमें लगा होता है जीनर डायोड, आप लोग को आ रहा है दिक्कत या समझ में आ रहा है, सब कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं, सिंबल वगैरह पढ़ाए हैं, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, आ रहा है। तो डायोड का क्या होगा, डी से डिनोट कर दीजिए, यू से भी या वी से भी डिनोट लोग किया जाता है ना। चलिए, इसमें कैपेसिटर का संख्या एक से ज्यादा लगा हुआ होता है, इसमें सिर्फ नॉन पोलराइज कैपेसिटर ही दिखेंगे, मैन रूप से यही कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। कैपेसिटर का संख्या एक से ज्यादा हो सकता है, कभी कभार डायोड का संख्या एक से ज्यादा हो सकता है, समझ गए, लेकिन संख्या कंपोनेंट्स तो यही होंगे। अब हम कनेक्शन डीप से तो चेक करके कंफर्म कर सकते हैं ना इसमें कितना संख्या लगा हुआ है। जब आईफोन का रिपेयरिंग करने जाएगा तो यहाँ पे डायोड जगह पे ट्रांजिस्टर लगा दिया है, ट्रांजिस्टर को बताए देना कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड इक्वल ट्रांजिस्टर, मतलब दो या दो से अधिक डायोड को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ट्रांजिस्टर। तो आईफोन में सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा है इसलिए इसके जगह पे क्या कर दिया है, ट्रांजिस्टर लगा दिया, लेकिन नॉर्मल जो एंड्रॉइड फोन है उसमें ये डायोड ही दिखने वाले हैं, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ये किसको सप्लाई दे देता है, आईसी को। अब हम बताएंगे काम कौन कौन सा क्या करता है, ये चीज तो हम पढ़ाए हुए भी हैं, अब आपसे भी पूछेंगे कौन कौन क्या काम करता है, ठीक है। तो आईसी में क्या कर दिया, वोल्टेज को इन कर दिया, फिर आईसी से आउट होता है तो एगो R22 करके रेजिस्टेंस लगा होता है, और ये सप्लाई सीधा का सीधा कहां चला जाता है, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे, और जो नेगेटिव वाला सप्लाई होता है वो नेगेटिव यानी अर्थिंग, यहाँ भी नेगेटिव और ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये और ये आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी टोटल मोबाइल बोर्ड में यदि पॉजिटिव के सप्लाई को सिक्योर करके लेके जाया जाता है और नेगेटिव आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, सभी नेगेटिव आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। कोई दिक्कत है सर? LVR चिप रजिस्टर के बाद जो डब्बा है पहले, वो क्या चीज है? आईसी अभी जस्ट ही बताया हमने, ये है आईसी, इसको कहेंगे चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी चार्ज करने के लिए काम करता है तो चार्जिंग आईसी है ना, नेटवर्क के लिए काम करा नेटवर्क आईसी है ना, सब के लिए काम करा तो CPU, सॉफ्टवेयर के लिए काम करा तो फ्लैश आईसी, स्पीकर रिंगर माइक के लिए काम करा तो ऑडियो आईसी, नहीं पावर के लिए काम करा तो पावर आईसी, पूरा बोर्ड में वोल्टेज देने का काम किसका, जिसका पावर का, तो पावर आईसी है ना। तो EMMC आईसी भी सॉफ्टवेयर आईसी होता है, उसके बारे में और भी डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारा सर्किट समझ में आया। अब देखिए क्वाइल का काम क्या बताया था, बोलते थे फटाफट, फिल्टर करना। अब देखिए चार्जर से आपने वोल्टेज दिया है ना, तो चार्जर क्या किया, एसी करंट को आ रहा कैमरा में पूरा, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता था चार्जर, है ना। एसी करंट नहीं, घर का बिजली, घर का बिजली को किस में कन्वर्ट कर गया, डीसी करंट में, और डीसी करंट किसको दिया, चार्जर जैक को, है ना। अब देखिए इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए, उतना सिक्योर करंट तो नहीं होगा, तो कंपनी क्या करती है इसके लिए, क्वाइल के लिए क्वाइल लगा के फिल्टर कर देता है, मतलब किसी तरह का रिपल्स आएगा है ना, तो उसको ये क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, शुद्ध करंट चाहिए, समझ रहे बात को। इसके लिए क्या कर दिया है, क्वाइल को लगा दिया है। अब यदि मोबाइल बोर्ड में क्वाइल के ऊपर जम्पर करिएगा बात तो बन जाएगी, लेकिन कंप्यूटर बोर्ड में क्वाइल के ऊपर जम्पर करिएगा तो बात बनने वाला नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा, बड़ा वाला क्वाइल और छोटा वाला क्वाइल
जो एसएमडी क्वाइल है उसको जंपर कर देने से लैपटॉप बोर्ड में बाल बन सकता है, लेकिन जो बड़ा वाला क्वाइल है उससे बात नहीं बनेगा। चलिए कैपेसिटर का सिंबल बनाया है, ग्राउंड का सिंबल है, जी एन डी ग्राउंड को कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब आगे का बात करते हैं। क्वाइल का काम क्या था, करंट को फिल्टर करना। क्वाइल क्या किया, यहां से कितना वोल्ट लिया, 5.23 वोल्ट, और यहां पे देख कितना दिया, 5.2। कम करने का काम तो नहीं किया, नहीं है, कम करने का काम करता तब ना कम जाता, ये तो जितना लिया उतना ही दिया, थोड़ा सा फिल्टर कर दिया, जो गड़बड़ी था उसको हटा दिया। एसी में, एसी से डीसी में फिल्टर कर देता है। नहीं नहीं हां दिमाग है, ये डीसी ही मिल रहा है, यहां पे डीसी को ही डीसी ट्रांसफर किया, इसमें किसी तरह का गड़बड़ी होगा उसको फिल्टर करता है, ठीक है। चलिए आगे नॉन प्रोडक्ट कैपेसिटर है, क्या है, नॉन प्रोडक्ट कैपेसिटर, ये भी फिल्टर का ही काम करता है और चार्ज को कुछ सेकंड के लिए स्टोर भी करता है, ठीक है। यदि कभी चार्ज तुरंत निकाल के लगा दीजिए तो चार्ज आपका स्क्रीन पे ऑफ नहीं होगा, चार्ज दिखाता ही रहेगा, यदि स्पीड में निकाल के लगा देते हैं तो चार्ज कट आउट नहीं होगा। अब नॉन प्रोडक्ट कैपेसिटर का काम फिल्टर, यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या, क्वाइल मान लीजिए क्वाइल कट जाएगा किसी वजह से, खड़ा हो जाएगा तो आगे कहीं करंट पास करेगा नहीं करेगा। तो यदि आप मान लीजिए अभी हमने क्या बोला, जैक पे 5.23 वोल्ट आ रहा है लेकिन फोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो बोर्ड में क्वाइल और रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होगा, बोले थे ना भी, जस्ट नोट करवाए थे। अब मान लीजिए बोर्ड में यदि शॉर्टिंग होगा तो क्या वोल्टेज तो कम हो जाएगा, लेकिन यदि वोल्टेज बोर्ड सही है और सिर्फ क्वाइल ही काट देंगे तो आगे सप्लाई तो जाएगा ही नहीं, तो आगे सप्लाई जब भी नहीं पास करेगा तो इसके लिए क्वाइल खराब होगा। लेकिन जब कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा, कैपेसिटर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव साइड है, ये क्या है पॉजिटिव साइड, इसी वजह से ये कैपेसिटर खराब हो जाता है। खराब होगा क्या, शॉर्ट हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो जब ये जुड़ जाएगा पूरा का पूरा जुड़ गया तब तो चार्ज होगा ही नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत जुड़ा तो क्या करेगा, ये वोल्टेज को ये ग्राउंड करने लग जाएगा, शॉर्ट करने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज कम होते चल जाएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट दिखाएगा या 3 वोल्ट दिखाएगा या 2 वोल्ट दिखाएगा, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर या डायोड या ये वाला कैपेसिटर या कोई सा भी कैपेसिटर या डायोड हो, ऐसा कंपोनेंट्स जो इसका एक साइड पॉजिटिव और दूसरा साइड नेगेटिव लगा हुआ हो वो खराब हो सकता है। कोई दिक्कत है, आ रहा बात समझ में? तो कैपेसिटर खराब होने का मतलब क्या समझे, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था, सपोज करिए आप हटा दिए, सप्लाई चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा, सप्लाई तो चलेगा लेकिन कैपेसिटर का जो काम था वो काम नहीं होगा, तो कैपेसिटर बहुत बड़ा काम भी तो नहीं कर रहा था, सिंपल सा फिल्टर का या फिर चार्ज को कुछ सेकंड के लिए स्टोर करने का काम कर रहा था। एक से ज्यादा संख्या में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये नहीं करेगा दूसरा कोई कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा कोई कर लेगा, तो एक आध कैपेसिटर हटा देने से भी ज्यादा परेशानी नहीं आती है। वीडियो बंद हो गया, लो भाई लो बता, ठीक है उस पर क्लिक कर दीजिए, लो बता रहा होगा मतलब चल ही रहा है, क्लोज करें सर, बैटरी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि ये कैपेसिटर का लॉजिक समझ में आया, यस सर। अब कैपेसिटर जो है खराब हो गया तो उसको हटा देंगे, यदि हटाने से किसी इस जगह पे तो बात बन जाएगी, लेकिन किसी जगह पे हटाने से बात नहीं बना तो उसके जगह पे उसी साइज का कैपेसिटर रख देंगे तो नहीं काम करेगा। और नॉन प्रोडक्ट कैपेसिटर बटन तो पता है, इसको उल्टा सीधा जैसे मर्जी लगा दीजिए, दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, काम करेगा, साइज वही होना चाहिए, बड़ा साइज का नहीं लगा सकते, अरे समझ बात। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या, डायोड, डायोड कैपेसिटर जैसा ही काम करेगा है ना, क्योंकि इसमें भी एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, ये भी खराब होगा तो वही काम करेगा, बोर्ड ऑन होने ही नहीं देगा बहुत बार तो ऐसा होगा, समझ में आ रहा बात। ये भी कैपेसिटर ये कैपेसिटर एक ही जैसा काम करेगा। कैपेसिटर या डायोड कभी शॉर्ट हो जाता है या खराब हो जाता है तो पहले निकाल के देखेंगे, चार्ज हो रहा है फोन ऑन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो बदल दे, सिंपल लॉजिक, ठीक है। और किसी कंपनी में फोन में ये डायोड बहुत अहमियत रखता है, इसके नहीं होने से फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। और किसी कंपनी में क्या होगा, ये डायोड निकाल भी दीजिएगा तो चल पड़ेगा, तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, पहले निकाल के देख लेना है, खराब है तो निकाल दीजिए, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या करिए, बदलना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। कहां से बदलेंगे,
दूसरा फोन को हिसाब लीजिए, चार्जिंग वाला जीना डायोड है निकाल के लगा दीजिए, उल्टा सीधा ध्यान रखना पड़ेगा इसको, उल्टा सीधा पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। डायोड जब पढ़ाए थे इसका बाहर निकाल के भी कंफर्म करना बताएं कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो उस चीज को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। नॉन प्लस कैपेसिटर इसको क्या करिएगा, खराब होगा तो हटा सकते, वही वाला बात अभी जस्ट बताया। तो ये सारा में एक भी कोई कंपोनेंट वोल्टेज को कम करने का काम नहीं किया। तो चार्जिंग आईसी में वोल्टेज जो इन होगा वो कितना वोल्ट होगा, 5.23। और चार्जिंग आईसी से पहले वाला सर्किट कहीं भी वोल्टेज यदि कम हो जाए तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और गड़बड़ी कौन हो सकता है, या तो क्वाइल सॉरी या तो कैपेसिटर या डायोड, और वोल्टेज आ ही नहीं रहा है तो गड़बड़ी किसका, क्वाइल का। आ रहा समझ में प्रॉपर की नहीं? चलिए आईसी में इन हुआ कितना वोल्टेज, 5.23। आईसी ही यहाँ पे वोल्टेज कम करने का काम करता है। देखिए आईसी मतलब गुरुजी, जो कोई नहीं करा सब करेगा आईसी। आईसी के बारे में लास्ट टाइम आपको बताए थे, मोबाइल बोर्ड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स, मतलब जो सबसे छोटा इकाई, पार्ट्स तो रेजिस्टेंस है, सबसे छोटा इकाई क्या है, रेजिस्टेंस यानी सॉरी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स और सप्लाई, सप्लाई सप्लाई मतलब एक वायर, सप्लाई मतलब एक वायर, सप्लाई और कंपोनेंट्स को एक साथ मिला देते हैं क्या कहते हैं, सर्किट, है ना। जब बहुत सारा सर्किट को एक साथ जब मिलाते हैं तो क्या कहते हैं, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। और जब बहुत सारा आईसी को एक साथ मिलाते हैं उसको कहते हैं चीफ, मतलब जब बहुत सारा आईसी का एक साथ मिलाना होता है। तो कहने का मतलब एक आईसी के अंदर तो हर चीज है, कंपोनेंट्स भी है, सर्किट भी है, आईसी भी है, हो सकता है बड़ा वाला आईसी यानी सीपीयू के अंदर छोटा आईसी हो सकता है, चार्जिंग आईसी के अंदर तो नहीं होगा लेकिन कंपोनेंट्स और सर्किट तो है। तो आईसी जो है यहाँ पे काम करती है वोल्टेज को कम करने के लिए। आईसी किसके लिए काम करती है, वोल्टेज को कम करने के लिए। तो आईसी कितना वोल्टेज कम करती है, तो यहाँ पे 4.2 वोल्ट देता है। ये 3.7 से 4.2 वोल्ट हम बैटरी चार्ज होने के लिए बताए, ठीक है, लेकिन बैटरी चार्ज करने के लिए 4.2 वोल्ट ही आना चाहिए। यदि 4 वोल्ट आ रहा है तो बैटरी फुल चार्ज कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रेन हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ वोल्टेज खराब हो रहा है, ठीक है। तो कहने का सेंस चार्ज होने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 4.20 वोल्ट बैटरी कनेक्टर के ऊपर, है ना। तो ये R22 रेजिस्टेंस का मतलब होता है, R के जगह पर दे दिए 0.22, R का मतलब हो गया ओम्स, यानी एक ओम से भी बहुत छोटा हिस्सा, यानी 50 ओम तक का रेजिस्टेंस कभी वोल्टेज को नहीं के बराबर रोकता है, ये एक ओम से ही बहुत छोटा हिस्सा है, तो ये करंट को तो बिल्कुल नहीं रोकेगा, समझ में आ रहा बात। तो ये R22 नॉर्मली खराब होता नहीं है, यदि कभी खराब हो जाता तो इसको डायरेक्ट कर देने से काम जल जाएगा, और बैटरी कनेक्टर पे यदि 4.20 वोल्ट आ रहा है तो फोन आपका चार्ज होगा। यदि फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है तो उसमें और भी तरह का चार्जिंग के इशू हैं, वो कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। कल हम याद दिला दीजिएगा आप लोग कि कल जो है आप लोग को बैटरी के बारे में ये बताएंगे कि मतलब चार्जिंग टेम्परेचर एरर क्यों आता है, चार्जिंग टेम्परेचर हाई चार्ज नोट चार्जिंग, या फिर ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला इमेज आ जाता है, या इस तरह का इमेज आ जाता है, सवाल बहुत सारा है, जितना डिटेल्स में संभव होगा हम लोग बात करेंगे। स्टॉप करो।